हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं डाटा टाइप के एक्सटर्नल डाटा ग्रुप और कनेक्शन ग्रुप के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं वो ऑप्शन क्यों दिए गए हैं और इसका यूज क्या है। देखो, जो पहला जो ग्रुप दिया है यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डाटा, और दूसरा दिया है क्या, कनेक्शन। ठीक है, अब गेट एक्सटर्नल डाटा और यहाँ पे जो दिया है कनेक्शन, ये दोनों जो ग्रुप दिए गए हैं यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसका प्रयोग करके देखते हैं, तब हम लोग सेकेंड ग्रुप में आएंगे। तो देखो, गेट एक्सटर्नल डाटा का मतलब यह है कि एक्सटर्नल आप लोग पढ़े हो ना कि इंटरनल कितना और एक्सटर्नल कितना है। मतलब एक्सेल से बाहर का कोई डाटा, जैसे आप नोटपैड पे डाटा बना के रखे हो या एक्सेस पे बना के रखे हो या आप एमएस वर्ड पे डाटा बना के रखे हो और टेबल के फॉर्मेट में बना के रखे हो और वहां से उस डाटा को इस सीट पे एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए गेट एक्सटर्नल डाटा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो एक्सेल का नहीं है, वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का है। और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का मतलब यह नहीं किसी सॉफ्टवेयर का हो, वो एक्सेस का हो सकता है, एमएस वर्ड का हो सकता है, नोट पैड का हो सकता है। ठीक है, अगर यह सब डाटा है तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका प्रयोग करके देख सकते हो। ठीक है, रिजल्ट निकाल सकते हो। इसी वजह से पढ़ते हो बाबू। अब बताओ कहाँ गए जी, कहाँ बैठे हैं उसको उसको लेके चले आए हो? हाँ 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 तो कहाँ, तो परेशान हो गए पहले ही तुम। ठीक है, आएंगे तो हम कहाँ बैठाएंगे पार्टनर, इसलिए परेशान हो गया। इस पार्टनर ऐसा करते हैं सब कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ध्यान देना। हाँ चलो, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है फ्रॉम एक्सेस। क्या दिया है, फ्रॉम एक्सेस। इसको समझने की कोशिश करना यह क्या है और कैसे करेंगे। इसके लिए एक्सेस तो आपको पता नहीं है कि एक्सेस का मैं यूज करके दिखाऊं। इसके लिए आप लोग को एक्सेस का डाटा मैं एमएस वर्ड पे बना के दिखा रहा हूं, जिससे आप लोग उसको सीख भी जाओगे और कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा और आप लोग भी लैब में जाके उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आएंगे, विंडो के साथ आर दबाएंगे और विंडो के साथ आर दबाने के बाद से हम टाइप करेंगे क्या, बिनवर्ड। और बिनवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे बिनवर्ड टाइप करने के बाद से आपको आना है मेलिंग स्टैप पे, और मेलिंग स्टैप पे आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देता है क्या, सेलेक्ट रेसिपिएंट, आप लोग पढ़े हो या। और यहीं पे अगला ऑप्शन है टाइप ए न्यू लिस्ट। मतलब जो लिस्ट बनाया कहाँ बनाया है, क्लिक करेंगे इसको, और क्लिक करने के बाद से देखो पहला पूछ रहा टाइटल, तो हम टाइटल दे देंगे। तो हमने टाइप कर दिया मिस्टर मोहन शर्मा, हो गया। कंपनी नेम, तो कंपनी का नाम लिख दिया, एड्रेस मैंने एड्रेस लिख दिया, ऐसे न्यू एंट्री पे क्लिक किया, फिर से लिखा मिस्टर रितेश, क्या है, वर्मा है, जी आई टी।
एड्रेस कैसे यहाँ फिर से क्या करेंगे आप? न्यू एंट्री, मतलब आगे हम नहीं बढ़ रहे, ज्यादा डाटा नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे न्यू एंट्री कर देंगे। टैब बटन दबाएंगे तो ज्यादा हेडिंग है, ठीक है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, बस हम आपको समझा सके कि यह क्या है और कैसे इसका यूज करेंगे। हो जाएगा, और इतना करने के बाद आप लोग को ओके करना है, और ओके करने के बाद से पूछेगा, देखो यहाँ पे लिखा गया ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड्रेस लिस्ट, मतलब हमने एड्रेस लिस्ट बना लिया और इसको किसी ना किसी नाम से हम लोग सेव कर देंगे, और सेव करने पर कहीं ना कहीं रख लेंगे इसको, तो मैंने 5D के नाम से सेव कर दिया, और इसका कोई यूज नहीं है, अब क्लोज कर देंगे। इन केस मान लो फ्यूचर में कभी काम कर रहे हैं और वह डाटा जो बना के रखी उसकी जरूरत है, किस पे? एक्सेल पे। एक तो तरीका है कि उसको देख देख के बनाओ, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक कर दो, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स पर रखिए, डॉक्यूमेंट्स पे आ जाओ, और डॉक्यूमेंट्स पे आने के बाद से नीचे आओ, और DD के नाम से हमने सेव किया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से ओपन कर लो। अब दो ऑप्शन दिए गए हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट और न्यू वर्कशीट, मतलब इसी पे देखना है कि नए पे देखना है, ये भी तो खाली ही है इसीलिए इसी पे दिखा दो। आ गया, बोलो, ये डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो ये टेबल का स्टाइल भी यहाँ पे आ गया, और देखो कुछ ज्यादा ही आ गया है, मतलब जितना उसमें हेडिंग था सब आया है, लेकिन हम डाटा कम ही बनाए हैं, ठीक है। आप लोग पूरा इस समय भी बढ़ा सकते हो, बना सकते हो, और या नहीं चाहिए तो आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर कर दो, ऐसे क्लियर कंटेंट नहीं हो रहा है क्या? चलो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कॉलम कर ले जाओगे, तो ऐसे आप लोग इस्तेमाल करके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला है फ्रॉम वेब, मतलब इंटरनेट पे कोई डाटा आपने रखा है, ठीक है, कोई वेब पेज है आपका, वहां से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा कोई वेब पेज नहीं है और हमने डाटा ना एक्सेस किया है, इसीलिए इसका यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्लिक भी कर दोगे तो समझ जाओ सिस्टम फिर से जल्दी बंद नहीं होगा और ना कुछ कर पाओगे, इसीलिए इसका यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। हाँ, यह वाला कर सकते हैं, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम टेक्स्ट। आप बताओ टेक्स्ट का फाइल किस पे बनता है? लिखा है फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट का फाइल किस पे बनता है? MS वर्ड पे या वर्ड पैड पे या नोट पैड पे, किस पे बनता है? गधों अभी तक तो पता ही नहीं है, ठीक है, नोट पैड पे बनता है टेक्स्ट का फाइल, ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट जो क्रिएट होता है वो हमारा वर्ड पैड पे और MS वर्ड पे होता है, ठीक है। तो कभी कोई पूछे टेक्स्ट का फाइल है तो समझ जाना नोट पैड की बात की जा रही है, समझे ना। और वैसे नॉर्मल कोई डॉक्यूमेंट्स में बनाते हैं वो सबसे ज्यादा वर्ड पैड और MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट का फाइल जब नाम आया क्यों? क्योंकि देखो इसका एक्सटेंशन नेम ही है .txt, याद है आपको, वर्ड पैड का है .rtf और MS वर्ड का है .docx, .docx, तो ध्यान रहे। तो चलिए अब हम लोग नोटपैड पर डाटा बनाएंगे तो एक्सेस करेंगे, ऐसा कभी कभी जरूर पड़ जाता है जब आप डाटा बना के रखे उसको एक्सेस करना है, तो अगर ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए करेंगे क्या, बोलो। इसके लिए सबसे पहले विंडो के साथ आर दबाएंगे और टाइप करेंगे क्या, नोट पैड, ओके करेंगे, और इस पे हमने कुछ बना लिया, नेम टैब राहुल, एड्रेस टैब पड़ाना, कोर्स ऐसा जल्दी कम मिलता है ऐसा बनाने को, हमने कर दिया DCA, फी हमने फी बता दिया, बस फाइल पे आया और सेव कर दिया। चलो मान लो हमने लिख दिया कोर्स,
के नाम से सेव कर देते हैं या कमेंट्स में रहने देते हैं, सेव क्लोज। अब मान लो उस डाटा को हमको लेके आना है, फिर से आ जाऊंगा कहाँ पे, राम टेक्स्ट, क्या राम टेक्स्ट कहाँ पे रखा हूँ जी, अब यहाँ पे किसके नाम से रखा हूँ, कोर्स, यहाँ पे आऊंगा और कहीं ना कहीं कोर्स दिखेगा आपको, दिख रहा है, और यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। अब जैसे इंपोर्ट करूंगा तो फिर से वही ऑप्शन आ रहा डिलिमिटेड, डिलिमिटेड पे नेक्स्ट कर देंगे। अब बताइए इन दोनों के बीच क्या लगाया हूँ, टैब ना, टैब रहने दूंगा, नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद से क्या कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। अब पूछ रहा फिर से, देखना कहाँ पे है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट या न्यू वर्कशीट, अगर इसी पे देखना है तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट का इस्तेमाल करिए, और नए पे देखना है तो न्यू वर्कशीट, इस पे पहले से डाटा है इसलिए हम नए पे देखना चाहते हैं बस, ओके। आ गया, देखो वह एक ही पेज पे था लेकिन ये अलग अलग कॉलम में आ गया। अब इसको थोड़ा सेलेक्ट करके और इसका अलाइनमेंट इधर कर देंगे और थोड़ा सा इन सबको बोल्ड करके आल बॉर्डर लगा देंगे, हो जाएगा। चलिए उसके बाद से आते हैं अगला, इसी में दिया है फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सर्वर की बात करता है कि अगर कोई ऐसा वेब डेवलपर है या कोई ऐसी कंपनी है या ऐसे लोग हैं जो खुद का उन लोग का सर्वर है और सर्वर पे डाटा स्टोर करके रखे हैं, उस सर्वर से डाटा को लोग एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेल पे इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, फ्रॉम एनालिसिस सर्विसेज, विंडोज एजोर, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्लाउड स्टोरेज स्पेस है, ठीक है, XML डाटा इंपोर्ट, ये सारे जो है, होते हैं या ऑप्शन दिए हैं वो हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से या अदर किसी कंपनी से सर्विस लेने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं और उस पर डाटा हम लोग स्टोर करके रखते हैं और इन केस कभी जरूरत पड़े तो उसको एक्सेस करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ गूगल ड्राइव, जैसे जीमेल बनाते तो गूगल ड्राइव पे डाटा स्टोर करके रखते हो ना, वैसे ये भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अलग अलग कंपनियों से लोग खरीदते हैं और उसपे बड़ी बड़ी कंपनियां डाटा ज्यादा रखती हैं और कभी कभी एक्सेल पे जरूरत पड़ जाए तो उसको एक्सेस कराते हैं। अब ऐसा नहीं एक्सेल पे इंसर्ट कराने के लिए इस कंपनी ये सॉफ्टवेयर सर्वर खरीदता है, वो इतना खरीदेगा कि वो बना नहीं लेगा, लेकिन वो रखा रहता है और फिर से बनाना ना पड़े तो उसी सर्वर से क्या कर लेता है, उसको एक्सेस कर लेता है, ठीक है। और इसीलिए ऑप्शन दिए गए, कभी कभी किसी कंडीशन में आता है, हम लोग के साथ जल्दी नहीं आएगा, ठीक है, किसी किसी कंपनी में आ जाएगा तो अपना सर्वर नेम बताएंगे लो और उसको आसानी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि जैसे हम क्लिक करेंगे तो पूछेगा, जैसे मान लो हम आप क्लिक कर देते हैं तभी भी इसमें प्रेजेंट टाइम है, तुरंत पूछेगा सर्वर नेम बताओ, सवारा ना मेरा कोई सर्वर है नहीं, ठीक है, वहां सर्वर नंबर बताएंगे, उसका यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, डाटा को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रहे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मतलब अभी तक हम इस सीट में, इस वर्कशीट में डाटा जो कनेक्शन किया वो किसका किसका किया है वो देखना है हमको, या फिर से उसको ओपन करना है, इस्तेमाल करना है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखो बता रहा है ना आपको, एक कोर्स का नाम से है और एक डीडी के नाम से, दो आपने क्या किया है, डाटा एक्सेस किया है, नहीं दिख रहा है, कोने में देखो यहाँ पे कोर्स और डीडी, मतलब दो डाटा में एक्सेस किए हैं, कुछ डाटा पहले भी एक्सेस किए थे, ठीक है, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में देखो बता रहा है कनेक्शन इन दिस वर्कबुक, ठीक है, हमने दो कनेक्शन किया है यहाँ पे बता दिया है, तो ध्यान रहे यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें बाहर से कोई डाटा कनेक्शन किया गया है कि नहीं किया गया, अगर किया हो गया होगा तो दिखाएगा और नहीं किया गया होगा तो नहीं दिखाएगा, ध्यान देना, ठीक है बाबू। चलो अगला है रिफ्रेश आल, शॉर्टकट के लिख लो इसका, थोड़ा कंट्रोल आल्ट प्लस या फाइव लिख लो, यस सर से काम नहीं चलेगा, याद है कब याद हुआ जी, कंट्रोल आल्ट प्लस या फाइव, खाली या फाइव नहीं करा,
ना ही नहीं होगा या फाइव वो दूसरा है, वो किसी ब्राउजर पे काम करेगा, डेस्कटॉप पे काम करेगा, यहाँ पे नहीं काम करेगा। रिफ्रेश आर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस या फाइव, ए ये ए शांत रहो। चलिए इसका क्या यूज है समझिए। जैसे मान लो हमने डाटा कनेक्शन कर लिया है, ए ध्यान दो, डाटा कनेक्शन कर लिया है, और कनेक्शन करने के बाद से सपोज बाद में जिस डाटा से हमने इसको एक्सेस किया है, लाया है, वहां पे हमने कुछ चेंज कर दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ वहां पे चेंज किया तो यहाँ भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिफ्रेश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस समय नहीं कर पाएंगे, पहले उसको चेंज करेंगे, तब आएंगे यहाँ पे चेंज करेंगे तो होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं फिर से, नोट पैड को ओपन करते हैं। कहाँ पर रखे हैं? डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद से आपको आना है फी, और उसके बाद से हमने लिख दिया इन्होंने पैड कितना किया है, 13,000, और ड्यू कितना है, 500, बढ़ा दिया, और फिर से फाइल पे, इसलिए मैं रोका था कि उसको समझाना था, सेव पे क्लिक कर देंगे, और सेव पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे। अब इसी पे आ जाते हैं, और जो डाटा भी चेंज हुआ है उसको सोच रहे हैं कि यहाँ भी बढ़ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आते हैं, रिफ्रेश पे क्लिक कर देते हैं, हाँ फिर से वही कोड सेलेक्ट हो जाएगा, हो गया ना, हमको खोजना नहीं पड़ा, आई इंपोर्ट कर देंगे। हुआ, तो आप लोग इसका यूज करके देख सकते हैं आसानी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही पे अगला ऑप्शन दिया कनेक्शन, क्या दिया है, कनेक्शन। अब देखो इस कनेक्शन में और इस कनेक्शन में दोनों में अंतर क्या है। एग्जिस्टिंग कनेक्शन कहता है कि जितना कनेक्शन किया गया मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा, ओपन भी कर दूंगा। कनेक्शन भी कहता है जितना कनेक्शन हुआ है मैं बता दूंगा, और ओपन करना चाहते हो ओपन कर सकते हो, लेकिन और एक पॉइंट अलग है इसमें, क्या, तो इसमें क्लिक करने के बाद पता चलता है कि हमने कोई डाटा लिंक किया है कि नहीं किया है, और यहाँ पे ध्यान दो, यह हमने लिंक किया है और कुछ यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मैंने मेंशन कुछ डाटा हम बना के रखे हैं। तो देखो होता क्या है, अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि यह जो डाटा है वो या आपने खुद टाइप किया है कि कहीं से इसको इंसर्ट कराया है, या यह जो डाटा है आपने खुद टाइप किया है इसको कहीं से इंसर्ट कराया है,
और सपोज आप नहीं थे उस समय जब डाटा बनाया गया था लाया गया था, ठीक है, और इस समय पूछ रहा हूँ तो आप बताओ, अभी तक मैं नहीं पढ़ाया था आपको, ठीक है, और मैं पूछ देता तो क्या समझते, बनाए होंगे सर आप, बोलो, दूसरा तो दिमाग तो लगाते नहीं, ठीक है। वैसे ही कि इस समय अगर मैं बना के दे देता हूँ और आपको नहीं पता है इस ऑप्शन के बारे में, तो आप लोग यही कहोगे, ये अभी बताया नहीं हूँ, ठीक है, तो आप यही कहोगे सर हमने डाटा बनाया है, ठीक है। लेकिन यह ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो बताता है कि आप इस वर्कशीट पे खुद डाटा टाइप करके बनाए हो या कहीं से कनेक्शन किए, मतलब उस एरिए को सेलेक्ट करके पता कर पाएंगे। जैसे देखो इस एरिए में कहीं क्लिक कर रहे हैं जो हमने खुद डाटा बनाया है, तो यह ऑप्शन देखो प्रॉपर्टीज वाला, चलो हम कनेक्शन के बारे में बताने वाले थे, हम प्रॉपर्टीज के बारे में बताने लगे, हम प्रॉपर्टीज समझ लो पहले, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन करता क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किए तो हाईलाइट नहीं है, क्लिक किए हाईलाइट नहीं है, लेकिन जैसे हम इसके अंदर आते हैं हाईलाइट हो जाता है, क्या हाईलाइट हो जा रहा है, प्रॉपर्टीज ऑप्शन, मतलब प्रॉपर्टीज ऑप्शन ये बताता है कि यह एरिया जो है वह लिंक किया गया है और यह एरिया है जो लिंक नहीं किया गया, मैनुअली टाइप किया गया, यही पहचान यही बताएगा, ठीक है। अगर हम लोग डाटा इसको भी हम टेबल में कर दे और उसको भी टेबल में कर देंगे तो कौन बताएगा जो आपने खुद बनाया नहीं है, या आपने बनाया और लास्ट में आप ज्यादा दिन हो गया तो भूल भी जाते हो फिर डाटा कौन सा है, कहाँ से लाया हूँ। इसके लिए देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हाईलाइट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ हाईलाइट हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑप्शन ये इंडिकेट करके बताता है कि कौन सा डाटा लिंक है और कौन सा डाटा लिंक नहीं। चलो अब कनेक्शन पे आ जाते हैं। हाँ कनेक्शन एग्जिस्टिंग कनेक्शन वो कनेक्शन दिखाता है, कनेक्शन में भी वही कनेक्शन दिखाता है जो हमने कनेक्शन किया है, अगर जरूरत पड़े हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यही है, ठीक है, हमारा दिख रहा है यहाँ पे, चाहता हूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद से चाहूंगा तो यही से रिफ्रेश भी कर सकता हूँ जो काम वहां से किए हैं। आइया प्रॉपर्टीज में आने के बाद से एक हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि रिफ्रेश एवरी, ठीक है, टाइम दे देंगे अपने आप, उस टाइम पे क्या होता जाएगा डाटा रिफ्रेश होता जाएगा, कब जब वहां पे डाटा चेंज होगा तब, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या बताता है डाटा क्या क्या कनेक्शन किया गया है, इसमें थोड़ा सा अंतर यही है कि इसमें हम लोग कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, चेंजिंग क्या, हम लोग रिफ्रेश वाला टाइमिंग सेट कर सकते हैं कितने टाइम के बाद से बार बार रिफ्रेश हो, लेकिन रिफ्रेश कब होगा, मान लो रिफ्रेश कर रहे हैं और डाटा में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या, नहीं होगा, जो डाटा वही रहेगा, ठीक है। अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो मैं पढ़ाऊं, हाँ एडिट वाला ऑप्शन बनाए थे लोग लेकिन हाईलाइट नहीं होता है, कभी भी नहीं होता, कुछ भी कर लो, कोई लिंक दे दो, ठीक है, बस यह जो ऑप्शन है मैंने एक एक करके आपको समझा दिया, और उसके बाद से जितने ऑप्शन इसके बाद है, सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स, आउटलाइन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है जो मैंने छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद से देखिए मैंने आपको फार्मूला टैब में भी ये सारे फार्मूले पढ़ा दिया हूँ, और नेम मैनेजर पढ़ा दिया हूँ, फार्मूला एडिटिंग पढ़ा दिया हूँ, कैलकुलेशन ऑप्शन पढ़ा दिया हूँ, याद है ना आपको, है कब पढ़ाए हो, तो हम नाम रख रख के पढ़ा रहे थे आपको, जैसे देखो आप लिखा गया ना ऑटो सम, ऑटो सम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, बोलो, रिसेंटली जो यूज होता फार्मूला पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, फिर लुकअप सम, बोलो, इफ, उसके बाद से फाइनेंशियल फंक्शन पीपीएमटी आईपीएमटी पीपीएमटी पढ़ाया हूँ, मतलब ये ऑप्शन दिए गए, लॉजिकल फंक्शन में इफ पढ़ाया हूँ, एंड पढ़ाया हूँ, और पढ़ाया हूँ, बोलिए ये लॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद से टेक्स्ट फंक्शन बहुत कुछ पढ़ाया, उम्मीद, राइट, लेफ्ट, मतलब फार्मूले बहुत हैं, 2 साल पढ़ेंगे तभी खत्म नहीं होगा, तो जो हमारे काम का है और हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कि अदर जगह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उसी फार्मूले को हम टच किए, इस्तेमाल किए, समझ रहा है ना। उसके बाद से देखो अगला डेट एंड टाइम, याद करो डेट एंड टाइम से रिलेटेड पढ़ाया था, डे मंथ ईयर ये सब निकालना उकालना। उसके बाद से यहाँ पर लुकअप फंक्शन, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, ये सब क्या है, लुकअप फंक्शन है, ये हमने पढ़ा दिया है। उसके बाद से मैथ से रिलेटेड है मैथमेटिकल फंक्शन, ये भी आप लोग पढ़े हो, मैथमेटिकल में क्या आएगा, बहुत कुछ आ सकता है, कम आ सकता है, सभी आ सकता है, ठीक है, मैथ्स आ सकता है, मीन आ सकता है, ये सब क्या है, प्रोडक्ट आ सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन सारे हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जितने ऑप्शन है, ठीक है, इस फार्मूले के अलावा मैं सारा फार्मूला भी पढ़ा चुका हूँ, बोला ऑप्शन जितने हैं, बचा क्या है आपका, मैं बोला हूँ 2 दिन का टॉपिक है,
एक बचा है आपका पेज लेआउट है, यह नहीं पढ़ाया हूँ। पढ़ाया हूँ क्या? नहीं। और दूसरा नया क्या है आपके, फार्मूला पढ़ाई दिए हो, डाटा पढ़ाई दिए हो, रिव्यू में कुछ पढ़ाना नहीं है, तीन चार ऑप्शन वो पढ़ाना हमको, और लास्ट में एक बचा है ड्यूट है, वही 2 दिन का टॉपिक है, कल और परसों का, बहुत होगा तो शनिवार तक जाएगा। ठीक है, कर ले जाओगे ना आप लोग? ठीक इन सब का इस्तेमाल करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।